मैं मोहम्मद शाहिद फोन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी जुड़े। आज हम मौजूद हैं आलमबाग के यूगो गार्डन पे। यहाँ पे खाद और रसद विभाग के कर्मचारी लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए उनसे पूछते हैं। सर ये बताइए सर कि ये प्रदर्शन चल रहा है किस मामले का? ये विपणन शाखा के रेणु मिश्रा अध्यक्ष महोदय द्वारा जो हमारे उच्चाधिकारियों की जो तौहीन की गई उनके खिलाफ अपशब्द बोले गए उसके खिलाफ हम लोग जो है निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए यहाँ आए हैं और अपने शासनादेशों के पक्ष में हम लोग जो उनकी अनलगल मांगे थी उसका विरोध कर रहे हैं और अपने उच्चाधिकारियों और शासन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए यहाँ आए हैं। सर आपका क्या नाम है और आप कोई पद में या संगठन में या कर्मचारी? नहीं, मैं अरुण कुमार पांडे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रयागराज हूँ। अच्छा। अच्छा सर ये बताइए जो आप लोग दो वेंगे, एक सेल्स एक मार्केटिंग है, तो आप लोग किस में आ रहे हो? हम सप्लाई वाले हैं जिसका काम होता है कोटेदारों से जो खाद्यान्न आप वितरण होता है उसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। तो सर ये विवाद क्या है, इसको थोड़ा सा इसका डिटेल बताइए। इसमें विवाद है, पहले गोदाम से गोदाम इनके पास थी मार्केटिंग विंग्स वालों के पास, वहाँ से विभिन्न तरह की समस्याएं घटतौली और तरह तरह की समस्याएं थी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में एक जियो था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में एक बना हुआ था कि सिंगल स्टेज व्यवस्था लागू की जाएगी जो कि मितव्यता की दृष्टि से और इस घटतौली या इन सब बातों से जो है दूर करने के लिए था, वो व्यवस्था लागू की गई तो उसके आधार पे हम लोग जो है काम करना शुरू किए। उनके लोगों के पास गोदाम जब खाली हो गई तो वो लोग जो है हम लोगों के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हुए शासनादेशों को गलत तरीके से मोटिवेट करके और उच्चाधिकारियों के खिलाफ गलत आवाज़ें उठाई, उसी का समर्थन उन उच्चाधिकारियों के करने के लिए। सर अभी दो दिन पहले यहाँ पे उन लोगों ने प्रदर्शन किया तो वो लोग सप्लाई वाले थे? नहीं, वो मार्केट आप लोग सप्लाई वाले। तो सर उन लोगों का जो कहना था कि वीनू मिश्रा जी आप लोग के जो प्रमुख सचिव जी हैं कि उन्होंने कुछ पार्शियलिटी करी उसको लेके? बिल्कुल कोई पार्शियलिटी नहीं की है, एकदम सारी चीज़ें सही की हैं, उसी के समर्थन में हम लोग आए हैं। वो शासनादेश है, शासन में अनुमोदन के बाद बनता है, किसी पार्शियल उसमें हो ही नहीं सकता जी। तो उसी के चलते ही आज विरोध कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, जो अपशब्द उनके द्वारा कहे गए हमारे प्रमुख सचिव महोदय को, खाद्य आयुक्त महोदय को, उनके समर्थन में, ऐसा किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी विंग्स द्वारा या कहा जाता है तो गलत होता है। शुरू करें। आइए कुछ और लोग भी हैं। सर क्या नाम है आपका और क्या बताइए क्या ये पूरा मामला? जीतलाल यादव, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रयागराज। आज हम लोग यहाँ इको गार्डन में समस्त आपूर्ति शाखा के ARO's, सप्लाई इंस्पेक्टर और क्लर्क विंग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मूल मुद्दा ये है कि जो आपूर्ति जो खाद्य और रसद विभाग है उसमें जो मार्केटिंग विंग होता है उसका काम होता है कि खाद्यान्न उपलब्ध कराना कोटेदारों को, और हम जो सप्लाई विंग होता है उसका ये दायित्व होता है कि उस खाद्यान्न को कार्डधारकों में नियमानुसार वितरण कराना। अब खाद्य NFSA 2013 के बाद उसमें यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी थी कि कोटेदारों के घर तक राशन पहुँचाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए शासन ने सिंगल स्टेज व्यवस्था लगा दी। सिंगल स्टेज व्यवस्था लगाने से क्या हुआ कि गोदाम जो बीच में पड़ते थे उनको हटा दिया गया, डीहायर कर दिया गया और सीधा कोटेदारों के यहाँ पहुँचाने की बात आई। और मार्केटिंग विंग को ये काम करना था कि उनका आप लोग ये मार्केटिंग विंग को वो जो दूसरा पक्ष उपलब्ध कराना उनका काम है, ठीक है। उन लोगों ने सिंगल स्टेज व्यवस्था को पूरी तरह फेल करने का प्रयास किया और उस इसी माह से लागू करना था और ये लोग धरने पे आ गए। और उनका ये मांग था कि हम लोगों को भी आपूर्ति सप्लाई इंस्पेक्टर या आपूर्ति विंग की तरह कोटेदारों के वितरण की जाँच करने का अधिकार दिया जाए। अब सिंपल सी बात है, जिस लोगों का कहना था आप मतलब दोनों पोस्ट बराबर रैंक की हैं तो ज्यादा अधिकार उनको रैंक की नहीं है। वैसे भी सप्लाई इंस्पेक्टर जो होता है वो पद वो उच्च रैंक का होता है, आप जो लोक सेवा आयोग से नियुक्ति होती है वो हायरार्की में ऊपर की होती है, उसकी CS रैंक की होती है, CS रैंक की होती है। और दूसरी बात ये है कि जो दायित्व और कार्य बटे हुए हैं, ठीक है, आपका काम है खाद्यान्न पहुँचाना, आपके विरुद्ध ये आरोप है कि कोटेदारों का आप लोग घटतौली करते हो, कम राशन देते हैं, तो हम लोगों को वितरण कराने में बड़ी सुविधा होती है, ठीक है। अब आप ही को उनको जांच भी करने का दायित्व मिल जाए तो ये कि ये चेक एंड बैलेंस की जो थ्योरी होती है वो गलत है। जब आप ही राशन दोगे, आप ही कम दोगे और आप ही जांच करोगे, ये गलत है। ये जिसका जो काम है, आपका काम ये है कि आप खाद्यान्न कोटेदारों तक पहुँचाइए, हमारा काम है कि हम उसको सही तरीके से वितरण कराएं। इतनी विषम परिस्थिति आई पूरे यूपी में, पूरे देश में, पूरे विश्व में, हम लोगों ने जिस तरीके से
खाद्यान्न लोगों तक पहुंचाया, और जिस तरीके से हम लोगों ने एक एक यूनिट का आधार से लिंक करके उसको बायोमेट्रिक आधार पर वितरण करा रहे हैं। बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के हम राशन किसी को दे ही नहीं सकते हैं। अब जाँच करने का मसला ही क्या है? कार्डधारक आएगा, अंगूठा लगाएगा, राशन ले जाएगा, आप किस बात की जाँच करोगे? वैसे भी सप्लाई इंस्पेक्टर जाँच अधिकारी है, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जाँच अधिकारी है, DSOs हमारे करते हैं, हमारे JC सर लोग करते हैं, SDMs कराते हैं, DM अपने स्तर से भी जाँच विभिन्न तरीके से कराते हैं, वितरण अधिकारी लगे हुए हैं, सतर्कता समिति है जो वितरण को उनकी देख रेख में किया जाता। फिर आप अनौचित्यपूर्ण तरीके से ये अनपेक्षित मांग किया जाना, ये बिल्कुल गलत, आपका अनाधिकार प्रवेश का है, एक एक तरह से एक व्याकुलता है। ये प्रूफ करता है कि आप गोदामों में बहुत करप्शन का अड्डा था, ये प्रूफ करता है कि आप गोदाम डिहायर होने के बाद आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से कोड़ेदारों पर दबाव बनाना चाहिए। हम लोगों को कहना था कि बीच में कमीशन खोरी को लेके इस मामले को, इसलिए हम लोग को हटाया गया है। कमीशन खोरी किस बात का? ये राशन कोटे वालों के बीच में जो ममाल सप्लाई वगैरह होता, राशन दिया था उसको कमीशन। भाई अभी तक राशन कौन देता था? मार्केटिंग वाले राशन उपलब्ध कराते थे गोदाम से। आप पढ़िए शासनादेश में, बिल्कुल ये स्पष्ट है, ये फीडबैक है, शासन तक है, हर तरीके के जांच में ये पाया है, इतना लोगों पर FIR होता है, इतना इनके गोदाम शॉर्टेज होते हैं, उन गोदाम शॉर्टेज को कोड़ेदारों के ऊपर लागू किया जाता है, उनको कम खाद्यान्न दिया जाता है। हम लोग का वितरण प्रभावित पूरी तरह से मार्केटिंग वाले कर देते हैं गोदाम से, ठीक है। अब आपका जो काम है, फिर आपका काम क्या है? आप सीधे से आप खाद्यान्न पहुँचाओ ना, आपका काम है आप खाद्यान्न। दूसरा मेन उनका काम था कि ये धान का, गेहूं का क्रय करना आपका काम है। उस मामले में भी आप फेल हो जाते हो, गवर्नमेंट को फेल कर देते हो, गवर्नमेंट की मंशा को फेल कर देते हो, सही धान नहीं खरीदते हो, सही गेहूं नहीं खरीदते हो, वो काम आप सही कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। जो काम स्मूथली चल रहा है, जिसके संदर्भ में भारत सरकार ने यूको को दूसरा स्थान दिया है खाद्यान्न वितरण के बारे में, और कोरोना काल में जिस तरीके से कोटेदारों ने, जब कोई एक दूसरे को टच नहीं करता था, घर के लोग साथ छोड़ दे रहे थे, उस समय लोगों ने लोगों के घरों में लोगों का चूल्हा जलाने का काम किया, इन्हें अपने परिवार का अपना जीवन दांव लगा के, तो आप उनको चोर कहोगे? हम लोगों को चोर कहोगे? हमारे जो मुखिया हैं, खाद्य आयुक्त महोदय हैं, प्रमुख सचिव महोदय, उनको चोर कहोगे? तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के तौहीन और हम लोगों का जो प्रयास था उसको आप लोग एक रूप में हम लोगों को बेइज्जत कर दिए। अब तक के जो हमारी उपलब्धि थी, जब से खाद्य फसल विभाग का निर्माण हुआ है तभी से दोनों शाखाओं के कार्यदायित्व में निर्धारित है। इसमें विपणन शाखा को दिया गया खरीद का कार्य और गोदाम से, केंद्रीय गोदाम से उचित विक्रेताओं का खाद्यान्न पहुंचाने का, आपूर्ति शाखा का कार्य PDS को सुचारू व्यवस्था से रक्त चलाने का है। अब इधर कुछ विगत समय से इसको अनर्गल रूप से आरोप लगाते हुए कि पहले हमारे कंट्रोल आकर में विपणन शाखा पुलिस में था, विपणन शाखा भी सम्मिलित था। हमने 1990 का GO भी देखा, 2004 का भी GO देखा, इसमें कहीं भी विपणन निरीक्षक और क्षेत्रीय विपणन अधिकारी कहीं भी उल्लेख नहीं है, किसी भी नामानिर्देश अधिकारी के रूप में उल्लेख नहीं है। उनके द्वारा ये गलत तरीके से षड्यंत्र करके सबको दिग्भ्रमित करते हुए ये बताया जा रहा है कि पहले से ही हमारे अधिकार उनके अधिकार PDS से कंट्रोल आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग केवल दिग्भ्रमित करते हुए अपनी मांगों को रख रहे हैं। आज जो है सभी लोग इसी, जैसे कि उनका आंदोलन चला उसी के निंदा के क्रम में आज सब लोग एकत्रित हुए हैं, जिसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं। रही है जो विवाद खड़ा हो गया मार्केटिंग सेल्स वाले को, ये कहाँ जाएगा? क्योंकि प्रदर्शन आप भी कर रहे हैं अपनी मांगों के लेके, कुछ कह रहे हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, तो इसका क्या है? इसका कोई वो नहीं है। मेन हमारा ये था कि जो हमारे सप्लाई विभाग को, हमारी आपूर्ति शाखा को, हमारे उचित दर विक्रेताओं को, हमारे सप्लाई के कर्मचारियों को, फिर उसके ऊपर खाद्यायुक्त महोदय को, फिर प्रमुख सचिव महोदया को, इनके द्वारा अपशब्द कहा गया, उसका विरोध था। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि ये कहाँ तक जाएगा, इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट कुछ नहीं है। आप अपना का मार्केटिंग विंग का बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल विभेद है कि आपका काम क्या है और
सप्लाई विभाग का कार्य क्या है, आप ये कुछ कार्य है। जैसे सर अभी बता रहे थे कि सप्लाई विभाग का कार्य ये है कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा जो खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है वो समुचित रूप से कार्डधारकों के मध्य पहुंचे, ये सप्लाई विंग का काम है। आपका काम है कि आप खाद्यान्न जो है उचित दर विक्रेताओं तक पहुंचाएंगे, ये आपका काम है। आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे, जब शासन द्वारा और इस एक्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का जो ये एक्ट है, इस एक्ट में निहित प्राविधान है कि सिंगल स्टेज की व्यवस्था या डोर स्टेप की व्यवस्था है कि उचित दर विक्रेताओं के घर तक खाद्यान्न पहुंचेगा। आपके द्वारा ये लगातार इसको विफल किया गया और जब खाद्य आयुक्त महोदय और प्रमुख सचिव महोदया द्वारा ये काम हम लोगों को सौंपा गया तो हम लोगों ने सफलतापूर्वक सप्लाई विभाग के द्वारा ये कार्य सफलतापूर्वक 48 जिलों में लागू कर दिया गया और आपके द्वारा लगातार 3 साल से इसको विफल किया जा रहा है। ये मार्केटिंग वालों का कहना था, जो आपके प्रमुख सचिव हैं बीना मिश्र ने, श्रीमती वीना कुमारी जी, उन्होंने जामुन के पार्शलिटी के तहत उन लोगों को हटा दिया इस बोस रैंक। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। ये उन लोगों के द्वारा अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है, ये शासनादेश में निहित प्रावधान है, सबके कार्य बटे हुए हैं। उनको उनका कार्य था कि वो उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न पहुंचाए, वो इस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे थे, इसके द्वारा जब न कर पाने की अवस्था में फिर उनके द्वारा अनर्गल प्रलाप किया गया और हमारे उच्चाधिकारियों को अब शब्द कहे गए। इसी का विरोध प्रदर्शन आज क्या आते हैं सभी आपूर्ति के, इवन हमारे उचित दर विक्रेता भी स्वतः स्फूर्त होकर यहाँ पर आए हैं और अपने इस चीज को सही रूप से रखने का प्रयास कर रहे हैं, बस हम लोगों का यही है। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए सेल्स संयुक्त सचिव साहब, कैसा आपका क्या नाम है, आप बताइए पूरा मामला। मैं अभिषेक तिवारी, यूपी सप्लाई इंस्पेक्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रदेश संयुक्त सचिव हूँ। और ये हमारा एक धरना प्रदर्शन नहीं है, ये हमारा एक विरोध प्रदर्शन है, हमारा एक निंदा रैली है जो कि आपूर्ति शाखा द्वारा विपणन शाखा के विरोध में किया गया है। विपणन शाखा द्वारा अनधिकृत रूप से संघ के पैड और संघ के संगठन का दुरुपयोग करते हुए हमारे उच्चाधिकारियों पर अनर्गल आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं जो कि हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। और ये आरोप उन लोगों ने इस बौखलाहट में लगा दिए हैं कि उनका जो भ्रष्टाचार का कारोबार था वो हमारे उच्चाधिकारियों ने, हमारे शासन ने, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विभाग है, शासन की ये मंशा है कि गरीब तक एक एक दाना समुचित मात्रा में पूरी पारदर्शी ढंग से पहुंचे, जिसके लिए उन्होंने पूरी पारदर्शी व्यवस्था शुरू से अंत तक राशन वितरण की लागू की है। और यही नहीं, उन्होंने ई-पास के माध्यम से जो वितरण व्यवस्था लागू कर दी है उसको हम लोगों ने अपने जान पर खेलकर कोरोना काल में भी लागू करवाया, लेकिन वहीं जो ये राशन कोटेदारों को पहुंचता था उसको ये लोग बीच रास्ते में ही घटतौली करके काट लेते थे, जिसको हटाने के लिए शासन की मंशा के अनुरूप शासनादेश जारी करते हुए विपणन विभाग के इस कार्य को समाप्त करते हुए FCI से डायरेक्ट खाद्यान्न कोटेदारों के घर पे, ताकि कोटेदारों का शोषण ना हो और गोदाम के रख रखाव में जो भारी भरकम पैसा सरकार का खर्च होता था वो पैसा बचे और कोटेदारों को बिना किसी दुविधा, बिना किसी असुविधा के खाद्यान्न उनके दरवाजे पे मिल जाए तो वो उसी ढंग से पूरी मात्रा में कार्डधारकों को बांट सके। सर, जो मार्केटिंग वालों को जो कहना था, उन्होंने इल्जाम लगाया उसके बारे में, मैं उस पे आ रहा हूँ। उन्होंने इल्जाम ये लगाया है कि हम लोगों से रिश्वत खाकर हमारे उच्चाधिकारियों ने ऐसा कर दिया, जबकि शासन में बैठकर शासनादेश जारी होते हैं, उसमें एक नहीं दो नहीं पूरा शासन की मंशा के अनुरूप, पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप, ठीक है, पूरी ईमानदारी को और इस जो NFSA एक्ट है जिसके तहत हम लोग गरीबों को खाद्यान्न दिलाते हैं, उनका मतलब खाने का अधिकार दिलाते हैं, उसको सही मामलों में जमीन स्तर पर लागू करने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी, जिसको सिंगल स्टेज डिलीवरी कहते हैं, उसको लागू किया गया और शासन की मतलब शासनादेश के द्वारा लागू किया गया। ये किसी के आरोप के ऊपर से बहुत ऊपर है, कोई आरोप लगा के कहते हैं कि शासनादेश हम जारी करवा सकते हैं तो ये कहीं से बेसिस बाहर की बात होगी, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए जिस तरह का विवाद दोनों, क्योंकि एक ही विवाद है आप लोग का, विवाद का रूप दिया जा रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है? अपने भ्रष्टाचार को अनवरत रूप से जारी करने के लिए उनके द्वारा ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। उस निंदा रैली में आज हम लोग यहाँ सम्मिलित होने पूरे मतलब मनोयोग से सरकार की मंशा को समर्थन देने यहाँ उपस्थित हुए। कितनी बड़ी संख्या है आप लोगों की, तो काफी भीड़ यहाँ दिख रही है आप लोग। हाँ, हम लोगों की यहाँ पूरी संख्या आई हुई है, जितने हमारे
अधिकारी हैं, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, जितने हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, जितने हमारे सप्लाई बाबू हैं, सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। साथ ही हम लोगों की ये बातों को सुन करके कुछ उचित दर विक्रेता भी स्वतः स्फूर्त ढंग से यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, हालांकि उनको कहा नहीं गया था। क्या कुछ कोटेदार वगैरह भी आए हैं? हाँ, काफी मात्रा में यहाँ उचित दर विक्रेता भी इसके समर्थन में आए, क्योंकि अंततः जो है जो असुविधा होती है इन लोगों से, विपणन विभाग के लोगों से, वो सीधे कोटेदारों को होती है, क्योंकि कोटेदारों को कम ये देते थे, कोटेदारों को मजबूरी बन जाती थी कि वो कम बांटे। और कार्यवाही कोटेदारों पे होती थी, क्योंकि वो अंतिम बिंदु है, कार्यवाही का अंतिम बिंदु कोटेदार होता है। इसलिए कोटेदार स्वतः स्फूर्त ढंग से इसके विरोध में आ गए कि ये मार्केटिंग वाले जो बाहर किए गए हैं इनको किसी भी दशा में अंदर न किया जाए, और ये प्रवर्तन का अधिकार मांग रहे हैं, जबकि वर्तमान शासन की मंशा ये है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, सरकार की संख्या कम हो, अधिकारियों की संख्या कम हो, और शासन जो गुड गवर्नेंस होता है, सुशासन जिसको कहते हैं, वो अधिक हो। इसका तो माध्यम ये, ये बताइए, ये जो 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 चल रहा है मामला आप दोनों लोगों के बीच विवाद का, ये कोई विवाद नहीं चलेगा या सुचारू रूप से ऐसे ही चलता रहेगा या इसका कुछ निकलेगा? इनका अनर्गल और अनधिकृत रूप से ये किया गया कुत्सित प्रयास है, ये कोई विवाद नहीं है। शासन ने जब शासनादेश जारी करके काम कर दिया है तो कर दिया है, खत्म है। हम लोग, ये कोई विवाद नहीं है, ये उनका एक कुत्सित प्रयास है जिसको जो है विफल सरकार खुद कर देगी, क्योंकि वो अपने शासनादेश के विरुद्ध नहीं जाती। तो जैसे कि आपने सुना, अभिषेक तिवारी ने साफ साफ कहा कि, और ये यहाँ पे विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन नहीं, ये विरोध प्रदर्शन था, जिसको लेके आज कोटेदार और ये लोग सब लोग इकट्ठा हुए। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी।